हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया। देखो फ्रेंड्स, 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया है और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। घर का सारा काम भी फिनिश हो गया था फ्रेंड्स। तो मैंने पापड़ सुबह में ऊपर डाल दिए थे सूखने के लिए, तो वो अभी लेके आएंगे। और मैं अभी जाऊँगी किचन में क्योंकि सब्जी बनानी है। तो आज मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स मैं आज बना रही हूँ मिक्स सब्जी। जो भी घर की बच्ची कुची सब्जी होती है, जैसे रात की सब्जी हो गई, कल देर दोपहर की सब्जी हो गई, तो हम वैसे खाते तो मतलब हमें ऐसा लगता है कल की सब्जी है, नाइट की। काजल फैल गया मेरा। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा लगता है हम कल की सब्जी खा रहे हैं, तो इसलिए मैं आज उसको फ्रेश सब्जी बना रही हूँ। मतलब गुवारफली की सब्जी बना रही थी। हम डायरेक्ट भी बना सकते थे पर मुझे वो सब्जी वेस्ट नहीं करनी थी, ना ही उस सब्जियों को फेंकना है, और मुझे वो सब्जी यूज में लेनी है फ्रेंड्स। इसलिए मैं वो सब्जी को यूज में लेते हुए एक नई डिश बना रही हूँ, यूनिक सी बची हुई सब्जियों से न्यू डिश। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम किचन की और फटाफट बना लेते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम किचन में और फटाफट सब्जी की तैयारी करते हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सब्जी बना रहे हैं और वो सब्जी है ये गंवार फली। गंवार की जो फली आती है वो है, और ये बची हुई सब्जियाँ हैं ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी दही बची हुई थी वो भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा टमाटर कटा हुआ था वो भी, और ये टमाटर हरी मिर्ची आलू की सब्जी थी वो भी ऐड कर दूंगी, ये लाल मिर्च मतलब ये हरी मिर्ची और टमाटर की चटनी थी मतलब वो भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा इसमें कच्चा लहसुन ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, सब सब्जी बची हुई सब्जियों से आज मैं एक नया लुक दे रही हूँ, नई सब्जी बना रही हूँ गंवार फली की। गुआर फली सबको पता है किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम एक नई स्टाइल में न्यू सब्जी का लुक दे रहे हैं। बहुत ही टेस्ट और लाजवाब होने वाली है। आपके पास कोई भी सब्जी ना हो, थोड़ी थोड़ी जो भी सब्जी बची हुई होती है उसी को आप नया लुक देके एक नई मतलब सब सब्जियों को मिलाकर एक नया लुक देके और एक न्यू सब्जी बना सकते हो। तो वही मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे ब्लॉग को। और फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो फ्रेंड्स। अगर आपके पास गंवार फली नहीं हो, चाहे कोई भी अदरवाइज सब्जी आपको मतलब वेस्ट नहीं करनी है, मतलब जो बनी हुई सब्जियां हैं ना उनसे भी आप एक नया लुक दे सकते हो सबको, चाहे दाल हो, आलू कुछ भी हो, कटी हो वगैरह, किसी भी सब्जी को आप एक नया लुक दे सकते हो सारी सब्जी मिक्स करके। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी ये बनी हुई सब्जी थी उनको सबको ले चुकी हूँ, और अब तेल भी अच्छे से गर्म हो रहा है मेरा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। सबसे पहले जीरा नहीं, सबसे पहले मैं इन गंवार की फलियों को ये धो के रखी है मैंने, अच्छे से वॉश करके रखी है फ्रेंड्स, ये देखो एक एक, और इनको अच्छे से मैं इसमें तेल में डिप करके मतलब फ्राई कर लूँगी फ्रेंड्स, हल्की हल्की फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो ये अब मैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये अब इसे डाल देती हूँ, इसको लाइटली फ्राई कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, हम हल्की हल्की फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, लाइटली फ्राई कर रही हूँ मैं। फ्राई में से मतलब टेस्ट हो जाती है, और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा टेस्ट आता है, समझ जाओ फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है, बहुत ही स्वाद लगता है टेस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, हल्की सी फ्राई हो चुकी है, अब हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि हमें मसालों के साथ इसको पकानी है, तो हम ओवर कुक नहीं करेंगे। सॉफ्ट हो चुकी है हल्की सी, जो तड़तड़ बोल रहा है ये मतलब गंवार फली के अंदर जो मैंने वॉश किया था वो पानी था। और अब जीरा डाल रही हूँ मैं, जीरा अच्छे से चटकने देते हैं, हींग डालेंगे फ्रेंड्स। अभी आपको मतलब फ्रेंड्स ये सब मतलब कम लग रहा होगा तो ऑयल वगैरह पर, फ्रेंड्स ऑयल जैसे मैंने गंवार फली फ्राई करी है तो उसमें भी थोड़ा बहुत ऑयल है, और दूसरी सब्जियों में भी ऑयल ऐड है इसलिए तो अच्छे से हो जाएगा। तो अब इसमें लहसुन डालेंगे हम कुटा हुआ, पीस के भी डाल सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, लहसुन डाल चुके हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा भून लेते हैं, कच्चापन इसका पूरा दूर कर देते हैं लहसुन का, ताकि कच्ची कच्ची स्मेल ना आए। हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइटली ब्राउन, डार्क नहीं होना चाहिए, लहसुन जलना नहीं चाहिए। मैंने ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो ये अब ये चिपकने लगा है लहसुन, तो इसका मतलब इसका कच्चापन दूर हो गया फ्रेंड्स। जब भी लहसुन हमारे बर्तन में चिपकता है तो हमेशा ये सोच लेना, आप समझ जाना फ्रेंड्स, जो बिगनर है खाना बनाना सीख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। हमेशा लहसुन वगैरह जब चिपकने लग जाए ना फ्रेंड्स, तो समझ जाना लहसुन पक चुका है। अब इसमें हम उसी टाइम मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, जो मेरे पास हाफ कटा हुआ था, और टमाटर हो चुके हैं महंगे, तो इसको भी हल्का सा सॉफ्ट करेंगे हम, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। टमाटर फ्रेंड्स महंगे हो चुके हैं, जो बची हुई सब्जी है वो उस टाइम ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर।
चटनी थी वो मैंने ऐड कर दी है, इसको भी अच्छे से पका लेंगे, मतलब मिक्स कर देंगे इनमें। अब जो ये वाली सब्जी है ये वाली ऐड कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, इसमें ये ऐड कर दिया हमने। अब इस टाइम हम मसाला भी ऐड करेंगे इसमें, दूसरा जो सूखा। अब हम इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी मसाले इसमें ऐड है दोनों सब्जियों में, 1 स्पून और 1/2 स्पून 1.5 चम्मच मैंने फ्रेंड्स धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची ऑलरेडी इसमें सब्जियों में डाली हुई थी, मिर्ची पाउडर मतलब, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले का कच्चापन निकल जाएगा, इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। चाहे तो आप इस सब्जी को अभी ऐसे ही भी खा सकते हो, ये एक नया लुक बन चुका है, पर मैं इसमें कुछ कच्ची सब्जियां मतलब जैसे गवारफली मेरे पास फ्रेश थी तो मैं उसमें फ्रेश सब्जी ऐड कर दूंगी, तो वो एक फ्रेश सब्जी का लुक आ जाएगा। आपके पास कुछ भी आलू हो, कुछ भी फ्रेश हो, लौकी वगैरह कुछ भी ऐसा जड़ हरी सब्जी कुछ भी वो ऐड कर देना, आप जो भी सब्जी आपके घर में बची हुई चाहे वो कड़ी हो। सब मसाले ने तेल सेपरेट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, तो ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं फ्रेंड्स, हमेशा तेल सेपरेट होने के बाद मसाले पक जाते हैं। अब मैं इसमें ये सिर्फ इतना ही पानी ऐड करूंगी, इसके अलावा कुछ पानी ऐड वगैरह नहीं करूंगी फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। इसमें खटाई के लिए आप नींबू दही भी यूज में ले सकते हो, मैं दही यूज में लूंगी। फ्रेंड्स पानी में देखो उबाल आने लगा और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। अभी मैं दही ऐड करूंगी इसमें, ये मैंने 1 से 2 स्पून दही है, ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, पानी ऐड कर रखा है इसलिए। फ्रेंड्स दही ऐड करने के बाद देखो इसमें ऑलरेडी पानी हो चुका है और ये दही भी अच्छे से पक गई है, थोड़ा सा ऑयल सेपरेट करते ही मैं इसमें गवार फली डालूंगी, मतलब फलियां डालूंगी फ्रेंड्स। देखो सब्जी भी वेस्ट नहीं हुई और इसमें ये आलू का टमाटर हरी मिर्ची चटनी का सबका फ्लेवर्स भी आ चुका है, सब्जी बहुत टेस्टी और लाजवाब बनने वाली है फ्रेंड्स। ये देखो तेल सेपरेट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्या ये धुएं की वजह से मतलब आपके स्टीम आ रही है जो सब्जी में से, उसकी वजह से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इस टाइम इसमें गवार फली ऐड कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट ढककर पकाएंगे, बस गवार फली फिर हमारी रेडी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस टाइम हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन लग चुका है इस टाइम, यहाँ से यहाँ पर पकड़ने वाला था वो टूट गया था फ्रेंड्स, तो मैं इस कपड़े को यहाँ पर रख देती हूँ, देखते हैं कितनी देर में सब्जी, 2-5 मिनट फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको ढक के उगा खोल के देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स अच्छे से ये बन चुकी है, अब इस टाइम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं हम, ठंडे होने पर सर्व करके दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स सब्जी मैंने बना ली है, आपको सबको पता ही है, अभी आपके साथ रेसिपी शेयर की है, नॉर्मल सी रेसिपी थी, सब्जी बना ली है, अभी वो ठंडी हो रही तो मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगी। तब तक हम छत पर जाते हैं, पापड़ों को ले आते हैं, मौसम कभी बादल हो रहे हैं कभी धूप निकल रही है, तो मुझे उन्हें भी लाना जरूरी है, और वो सूप भी देंगे, मैंने सुबह 7 बजे ही डाल दिए थे। गर्मी इतनी हो रही फ्रेंड्स देखो, अभी नहाई मतलब नहा दो कि सिर्फ फिर बस सब्जी ही बनाई थी, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, शीट में चप्पल नहीं पहन के बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मेरे पापड़। ये देखो फ्रेंड्स मैंने डाल दिए थे, सूख चुके हैं, इनको ऐसे ही शामिल कर देती हूँ फ्रेंड्स में, और बादल भी हो रहे हैं धूप भी हो रही है, तो इससे अच्छा तो मैं इन पापड़ों को नीचे ही लेके चली जाती हूँ। फ्रेंड्स एक दुपट्टे के मैंने 1 किलो पापड़ हाथ में ले लिए, 1 किलो वो सूख रहे हैं फ्रेंड्स, वापस आके लेते पहले इसे अच्छे से नीचे रख जाते हैं, क्योंकि सूखने के बाद टूटने के चांस होते हैं, तो मैं रिस्क उठाना नहीं चाहती हूँ। आ चुकी हूँ मैं नीचे और ये यहाँ रखी थी पापड़, यहाँ रख दिया मैंने, एक बार ऊपर जा रही हूँ वापस। हाँ धूप कब देख, बादल भी हो रहे हैं और धूप भी हो रही है, समझ में आ रही, फिर भी इतनी तेज़ धूप लग रही है और फिर हल्का बादल भी, जैसे कभी धूप छा होती है ना वैसे हो रहा है, तो हम इन पापड़ों को भी उठा लेते हैं, ये भी लगभग सूख गए फ्रेंड्स, अच्छे सूख गए हैं आज तो हल्के हल्के से, हाँ सूख गए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें खाना बहुत ज़रूरी है, फिर परी आ जाएगी और खाना वाना खाएंगे हम, काम में लग जाएंगे, तो ऐसे पापड़ भी हमने उठा लिया है ये देखो, और अब हम नीचे जा रहे हैं। मैंने सुबह 7 बजे ही धूप में लिया हूँ मैं, और मैंने सुबह 7 बजे ही धूप में डाल दिए थे, इतनी गर्मी हो गई मुझे तो, क्या अल्लाह टूट ना जाए कहीं पापड़। तो फ्रेंड्स दोनों ले आई हूँ मैं पापड़, अब इस टप में डाल देती हूँ सारे पापड़ों को। फैन चलाती फ्रेंड्स, गर्मी लग रही बहुत जोर से, या अल्लाह तो फ्रेंड्स सारे पापड़ हमने स्टफ में डाल दिए, अब स्टफ को हम अंदर रख देते हैं रूम में।
फ्रेंड्स यहाँ रख चुकी हूँ मैं पापड़, और ये तोले हुए हैं फ्रेंड्स 1 किलो और 2 किलो वो है, बाकी पापड़ का सामान रखा है यहाँ। और अभी इनको भी अच्छे से समेट के रख देते हैं, क्योंकि शाम को बनाएंगे हम 1 किलो या 2 किलो जो भी है। कभी मैं आधा किलो बनाती हूँ, कभी 1 किलो बनाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स सब्जी कितनी यूनिक और टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स सब्जी देखो कितनी टेस्टी बनी है। और फ्रेंड्स मैंने आपको सब्जी भी सर्व करके दिखा दी है, और अब हम मेरे हस्बैंड वगैरह आने वाले हैं, परी भी आने वाली है, सवा 1 हो चुकी है, पापड़ वगैरह सब ऊपर से ले आए, और कितना पसीना आया है उफ। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है हमारा, और अब हम मैं रेस्ट पर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स सारा काम तो हो चुका था, और अब मैं रेस्ट कर रही हूँ 10-15 मिनट, फिर परी आ जाएगी और मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे खाना खाने। तो मैं हम सब खाना खा के फिर हम फ्री होते हैं फ्रेंड्स 3:30, 3:30, 3:45 बज जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी 1:30 बजे आएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर चाय पियेंगे, नहीं फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर थोड़ी देर सोएंगे, मतलब आधा पौन घंटा सोएंगे, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स काम पर जाते हैं। तो 4:45 बज जाती है, वो जाते हैं तो कभी कभी 3:30 बजे भी चले जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर फिर वो रहते हैं जब तक मैं रेस्ट नहीं करती, फिर परी मदरसा चली जाती है पढ़ने के लिए 4 बजे, फिर परी 5 बजे आती है मदरसा से, उसके बाद मैं 5 से 6 बजे तक फ्रेंड्स रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सो जाती हूँ और परी फिर जगती रहती है, तो होमवर्क वगैरह करती है, सब काम करती है अपना, तब तक मैं 1 घंटे की नींद निकाल लेती हूँ। परी होमवर्क करती है, फिर रीडिंग करती है, फिर रन करती है, मतलब याद वगैरह करती है। तो फ्रेंड्स जितने परी का टाइम पास हो जाता है 1 घंटा निकल जाता है, फिर वो फिक्स 5 बजे मुझे उठा देती है चाय बनाने के लिए, तो फिर मैं चाय बना लेती हूँ, चाय बना के चाय पीकर फिर परी सोती है। तो वो परी उठती है 6:30-7 बजे लगभग उठ जाती है, परी 6:30-7 बजे 1-1.5 घंटे की नींद ले लेती है। ये फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, असली फोन है मेरे। 6:30-6 बजे तक तो मैं उठा देती हूँ उसे, मतलब 5 बजे सोती है तो मैं लगभग 6:30-7 उसे उठा देती हूँ। फिर परी थोड़ी देर खेलती है अपने खिलौनों के साथ, और खेलने के बाद फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ, मेरे साथ सीरियल देख लेती है 1-2, मैं देखती हूँ तेरी मेरी डोरिया और ये रिश्ता क्या कहलाता है और बेजू वाला है ना, वो नाटक 3 सीरियल देखती हूँ, तो वो मेरे साथ 3 सीरियल देखती है। फिर 9 बजे हम मतलब खाना वाना बनाने के बाद मतलब फ्रेंड्स फिर मैं ना बिग बॉस स्टार्ट हो जाता है, बिग बॉस देखते हैं हम पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मैं और परी तीनों जन बिग बॉस देखते हैं रात 11:30-11 बजे तक, और पापड़ भी बनाते रहते हैं और बिग बॉस भी देख लेते हैं, दोनों काम हो जाता है फ्रेंड्स। फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद हम सो जाते हैं। मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है आज, और फ्रेंड्स परी का इंतजार है और इनका इंतजार है, फिर खाना खाएंगे। भूख भी बहुत जोर से लगी है मुझे, तो सब्जी देख के मुँह में पानी आ गया था, तो दिखने में जितनी स्पाइसी नहीं लग रही फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही स्पाइसी लग रही है, बहुत ही टेस्टी है। मैंने चखी भी थी, मतलब थोड़ी सी चखी थी सब्जी की कैसी बनी है, तो बहुत ही लाजवाब बनी है, मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा और भूख भी बहुत जोर से लग रही है। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैं नाश्ता करती नहीं हूँ सुबह, बस परी और मेरे हस्बैंड ही नाश्ता करके जाते हैं। मैं सिर्फ ओनली फॉर एक या दो बार चाय पीती हूँ सुबह, एक तो सुबह उठते ही चाय पी लेती हूँ अगर, और या फिर मन नहीं होता तो सारा काम करके, मतलब सुबह सुबह जैसे रोटी सब्जी मेरे हस्बैंड उठते हैं तभी चाय पीती हूँ, या फिर कभी कभी परी के साथ भी चाय पी लेती हूँ। तो मैं सिर्फ 2 बार चाय पीती हूँ, और एक बार मेरा जैसे सारा काम हो गया, मेरे हस्बैंड हाली धो लिए तब वो नाश्ता करते तब चाय पीती हूँ, तो मैं 2 बार चाय पीती हूँ, मेरे हस्बैंड 3 बार चाय पीते और परी 1 बार चाय पीती है, तो 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स हम चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर काम स्टार्ट कर देती हूँ उनके जाते ही। वैसे तो मैं सुबह सुबह झाड़ू निकाल लेती हूँ घर की सारी, और एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो धो के रख देती हूँ, मटकी भर देती हूँ पानी की, पापड़ ऊपर डाल जाती हूँ सुखाने के लिए। बस सिर्फ मेरे हस्बैंड के बाद मेरा जो भी बचे हुए बर्तन होते हैं वो धोने रहते हैं, और है ना एक पोछा रहता है, और बस ये 2 काम बचते हैं नहाना, मतलब बाकी सारा काम हो जाता है। फिर उनके जाने के बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ जो भी बचे हुए रहते हैं, फिर किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह धो के, फिर गैस वगैरह धो के, फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ बाहर का, धो के आती पीछे के लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब धो लेती हूँ और फिर नहा लेती हूँ। नहाने के बाद आगे ये परी फ्रेंड्स अब आ चुकी है मेरी लाडो रानी स्कूल से आ गई है फ्रेंड्स। इतनी काली फोटो कैसे आ रही है फ्रेंड्स, आ चुके हैं मेरी लाडो रानी आ चुकी है स्कूल से, हाय तो कर दे। हाय कैसे हो? अच्छी आप? नहीं फ्रेंड्स कैसे हो? फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आप सब आपने खाना खा लिया? आपने खाना खा लिया? हम तो अब खाना खाएंगे अब फ्रेंड्स फोन गिर गया था, हम तो फ्रेंड्स हम तो अब खाना खाएंगे, अब खाना खाएंगे। अब आप ड्रेस उतार दो फटाफट, ड्रेस चेंज करो आप, ये थोड़ा ना आप उतारो आप, नहीं ऐसे मैं अब ड्रेस चेंज करूंगी, फटाफट करके आ जाओ तो फिर फ्रेंड्स को दिखाओ फिर ड्रेस जल्दी से चेंज करके आओ। नहीं गर्मी में मर जाएगी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे राजू जाएंगे घर की ड्रेस पहने की, तो नहीं नई ड्रेस नहीं है ना, तुझे पता नहीं गंदी होती ना और गर्मी में मर जाएगी ना, इतनी तेज की गर्मी पड़ रही है, चमक दमक की ड्रेस पहनाऊं तुझे ना, ऐसे मुंह सुजाने से कुछ फायदा नहीं, मुझे गला घोट के मारेगी क्या? जा ड्रेस चेंज कर फटाफट 2 मिनट में। नहीं कितनी गंदी बच्ची है, कहना ही नहीं मानती मेरा, हो गया अब डांस जा, एक्टिंग करवाऊं तेरे से। फ्रेंड्स तो ये आ गई, अब ये कपड़े वगैरह चेंज करती है, फिर मैं इसे चेंज करवा देती हूँ, ये खुद से करने करेगी, ये बहुत देखो बहुत ही नाटक कर रही है,
मैं बताऊँ मैं आ रही हूँ, तो रुक रुक रुक। तो फ्रेंड्स इसे ड्रेस व्रेस चेंज करवाते, फिर मिलते हैं आपसे, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाय बाय। चेंज कर लिया है और दूर जाके दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स परी ड्रेस चेंज कर लिया, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, खाना वगैरह खाने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो ये देखो, ये सो चुकी है, ये कैसे सो रही है इस। फ्रेंड्स 3 बजे है और खाना खा लिया था हमने, अभी खाना खाते ऐसे सोई है। स्कूल से आने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस हल चला के आई है, इसे थकान से सो रही है आज। तो देखो फ्रेंड्स मस्ती से तो फ्रेंड्स ये आराम सो रही है और 3:15 हो गई है। इसको उठा के मदर से भेजूंगी फिर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। तो फ्रेंड्स अब बज चुकी है 5:30, हम थोड़ी देर ही मैंने रेस्ट किया था क्योंकि आज लाइट तो सुबह से है ही नहीं। फ्रेंड्स सुबह से लाइट नहीं है और बहुत परेशानी हो रही है, और आई थी 2 मिनट आती है तो 4 घंटे चली जाती है। फ्रेंड्स सिर्फ देख लो, ना ही तो कपड़े धुले आज, ना ही कोई काम हुआ। फ्रेंड्स लाइट नहीं है, लाइट बहुत परेशान कर रही है। तो अब मैं पार्लर में आ चुकी हूँ और फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत लंबा होने हो जाता है तो मैं आज यहीं ख़त्म करूँगी 5:30 बजे। और आज पता नहीं मेरा कैमरा क्यों अटक रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कोई गेस्ट आए थे तो थोड़ा ठंडा मंगाया था हमने, तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा बचा हुआ है तो हम पी लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ फ्रेंड्स आज जो मैंने क्या बोलते हैं, हाँ आज जो मैंने सब्जी, जो भी सब्जी बची हुई थी उससे जो मैंने बनाई है सब्जी, वो आपको कैसी लगी रेसिपी ये कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सब्जियाँ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ कोई भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स, और हमेशा उपयोग लेना चाहिए, अगर ले सको तो उसमें ज़रूर उपयोग लें। फ्रेंड्स गर्दन इसलिए ला रही हूँ, देख लूँ कैमरा अटक रहा है। फ्रेंड्स खाने पीने की चीज़ तो उपयोग में लेनी चाहिए, और दूसरी बात कि लाइट का भी इशू है, लाइट थी नहीं, मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश का, पर बारिश आ नहीं रही है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है फ्रेंड्स। तो व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स 5:30 बज चुकी है, अब घर का काम करेंगे, तो ये व्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं, छोटा सा व्लॉग यह होने वाला है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड इवनिंग।